भाजपा के सामूहिक नामांकन रैली के आयोजन को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों ने दुर्ग पुलिस की मौजूदगी में किया स्थल का निरीक्षण। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 6 विधानसभा सीटों पर उतारे गए भाजपा के प्रत्याशियों को एक साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार और दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के संयोजकत्व में आगामी शुक्रवार को दुर्ग संगठन जिला के समस्त विधानसभाओं के प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल किया जाएगा। इसके बाद सामूहिक रूप से रैली निकाली जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय विधि मंत्री और सरोज पांडे भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद राज्यसभा उपस्थित रहेंगी, जिसको लेकर कार्यक्रम के स्थल निरीक्षण के लिए भाजपा के राजेंद्र उपाध्याय, सुरेंद्र कौशिक, नितेश साहू सहित अन्य मौजूद रहे। इस दौरान दुर्ग पुलिस अधीक्षक और एडिशनल एसपी सीएसपी मणिशंकर शंकर चंद्रा, सतीश ठाकुर, अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में भाजपा के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 2023 के चुनाव की जो तैयारियां हैं, नामांकन शुरू हो चुकी है 27 तारीख को, नवंबर को, अक्टूबर को। हम सबके जो दुर्ग जिले पे जितने आपके विधानसभा पड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से नामांकन करने वाले हैं। इस नामांकन में मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में रविशंकर प्रसाद जी आ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। उसी की तैयारी के लिए आज यहाँ पे गंज मंडी में हम सब इकट्ठा हुए। यहाँ पे विभिन्न जो विधानसभा है हमारे यहाँ, 6 विधानसभा पड़ रहे हैं हमारे राजस्व जिले पे, उसके सारे कार्यकर्ता प्रत्याशी के साथ आएंगे और एक साथ वहाँ पे नामांकन दाखिल करेंगे। 3 से 4 हज़ार लोग रहेंगे, लोग अपने साधन से आएंगे और पैदल यहाँ से एक रैली के रूप में हम कलेक्ट्रेट पे जाके नामांकन करेंगे। आगामी 27 अक्टूबर को दुर्ग जिले के दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, पाटन, अहिवारा, भिलाई नगर, वैशाली नगर विधानसभा का संयुक्त रूप से सामूहिक नामांकन सभी भाजपा के प्रत्याशी एक साथ करेंगे और उसके लिए व्यापक रूप से संगठन स्तर पर तैयारियाँ चल रही हैं। लगातार बैठकों का दौर चालू है और सभा स्थल का मुआयना करने के लिए आज हम लोग आए हैं, प्रशासन के अधिकारी भी आए हैं और कार्यक्रम सफल हो इसके लिए व्यापक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की ओर से चल रही है। लगातार जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से संपर्क चल रहा है। विशाल रैली हो, रैली सफल हो, उसके लिए नीचे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता लगातार सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। प्रत्याशियों का दौरा हमारा शुरू हो चुका है और नामांकन के बाद चुनाव का जो शंखनाद होगा उसके बाद पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर इस नामांकन रैली की सफलता के बाद जुटेंगे। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।